सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग को सिखाने वाला क्यूआर कोड से फोटो एडिटिंग करना है। ऐसे आप लोग देख सकते हैं डबल टोन में कैसे एडिट किया जाता है, वो भी एक ही क्लिक में। तो अगर आप लोग एक क्लिक में इसे डबल टोन में फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कर देंगे तो आप लोग को इसमें डबल टोन एड नहीं कर पाएंगे। और मैं एक कमाल का सेटिंग बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग इसे फोटो में डबल टोन एड कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं अपना यहाँ पे पोलर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले आप लोग को डाटा को ऑन रख लेना है और पोलर एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अगर आप लोग को पोलर एप्लीकेशन आप लोग को फ़ोन में नहीं है तो आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओपन फोटो पे क्लिक करेंगे। ऐसे कोई एड आएगा तो इसको डिसमिस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ओपन फोटो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसे आपको गैलरी ओपन हो जाएगी। तो गैलरी ओपन होने के बाद से मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग हो रही है तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। इसे अगर आप लोग फ़ोन में अगर लोडिंग हो तो आप लोग वेट कर लीजिएगा। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई मतलब आप जो मतलब सॉरी जैसे मतलब आप जो प्रीसेट देते हैं उसमें पासवर्ड नहीं मिल रहा है। तो उनको मैं बता दूँ अगर पासवर्ड आप लोग को नहीं मिल रहा है तो आप लोग को करना क्या होगा, प्रीसेट को डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि उसमें जब पासवर्ड नहीं है तो पासवर्ड नहीं लगा होगा। क्योंकि मैंने अगर वीडियो में बोल दिया कि पासवर्ड लगा होगा तो उस अगर पासवर्ड मतलब नहीं मिल रहा है आप लोगों को तो पासवर्ड नहीं लगा होगा। और कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई मतलब फुल ट्यूटोरियल लाओ, तो फुल ट्यूटोरियल मैं बहुत बार बनाकर दिखा दिया हूँ लेकिन आप लोग उस पर कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। मतलब जैसे आप लोग वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं तो उसी मैं ज़्यादातर आप लोग को शॉर्ट वीडियो दूंगा। अगर आप लोग को फुल वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत सारा कमेंट आएगा तो मतलब आप लोग को मैं फुल ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा शुरू से लेकर आखिरी तक। मतलब एक फोटो एडिट करने के लिए कितना टाइम लगता है और आप लोग को क्या क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक नॉर्मल सा पीक एड कर लिया हूँ और उसके बाद इसको आप लोगों को डबल टोन में एडिट कर दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग को यहाँ पर करना क्या होगा, आप लोग को मैं जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोग को एक मतलब एक ही क्लिक में मतलब एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग इनपुट क्यूआर पे इनपुट फिल्टर पे क्लिक करिएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग को इनपुट क्यूआर कोड लिखा होगा या स्कैन क्यूआर कोड लिखा होगा। तो अगर आप लोग को दूसरे फ़ोन में अगर क्यूआर कोड है तो इसको यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। मेरा तो इसी फ़ोन में है तो मैं यहाँ पर इनपुट करूँगा। तो आप लोग अगर इसी आप लोग जो भी फ़ोन से मतलब डाउनलोड किया उसी फ़ोन से अगर आप लोग को मतलब एडिट करना है तो इनपुट क्यूआर पे क्लिक करिएगा। तो ऐसे आप लोग को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ऐसे आप लोग गैलरी ओपन करेगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा क्यूआर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे आप लोग कोई भी क्यूआर ऐसे आप लोग जो भी डाउनलोड करेंगे उसे ऐड कर लीजिएगा। मैं पहले से इसको ऐड किया हूँ तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूँ फिल्टर कैसे बनाना है। तो ये वाली क्यूआर को ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा सेव फिल्टर पे। तो सेव फिल्टर पे क्लिक करके आप लोग मतलब फिल्टर बना सकते हैं। तो मैं इसको फिल्टर नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे बैक कर लूँगा। बैक करने के बाद इसे आप लोग को यहाँ पे दिखा दूँ कि मतलब यहाँ पे फिल्टर कोई भी एक नॉर्मल सा ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मतलब एक क्लिक में इसे कुछ एडिट हो रहा है तो उतना कोई अच्छा एडिट नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे दूसरा कोई पिक लेता हूँ, पिक सही नहीं है उसीलिए एडिट नहीं हो पा रही है। तो मैं चलिए फिर से एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, उसके बाद पिक को ले लेता हूँ। पिक को आप लोग मतलब पिक को लेने के बाद उसके बाद मैं दिखाता हूँ। चलिए ये वाली फ़ोटो को ले लेता हूँ। उसके बाद ये वाली फोटो देखिए, इसको ऐसे आप लोगों को लाइटरूम से एडिट कर लेना है। अगर आप लोग इस टाइप से एडिट नहीं किया तो मतलब आप लोग एडिट कर लीजिएगा। आप लोगों को प्रीसेट मिल जाएगी, बहुत सारे प्रीसेट की वीडियो भी मिल जाएगी चैनल पे। तो अगर आप लोग चैनल को मतलब चैनल पे जाकर आप लोग प्रीसेट को डाउनलोड करके आप लोग लाइटरूम एप्लीकेशन से कोई एक कलर बना लेना है। जैसे कि मतलब ये कलर मैंने बना रखी है, इसे आप लोग एक कलर बना लेना है। वो सेटिंग में आप लोगों को शुरू में बताया था कि मतलब एक मतलब बहुत ही कमाल की सेटिंग बताने वाला हूँ। तो आप लोग को क्या करना है, ये पहले से कोई एक कलर बना कर लेकर चले आना है। जैसे आप लोगों को ग्रीन बनाने लेना है या ब्लू बना लेना है, ये सब कलर बनाना है, रेड वगैरह नहीं बनाना है। तो आप लोग को इसे आप लोग कलर बना लेना, चाहे तो मैं जैसे ग्रीन बनाया इसे आप लोग ग्रीन अप्लाई करके लेकर चले आएंगे। उसके बाद से आने के बाद से यहाँ पे अब आप लोग को दिखाता हूँ। एक क्लिक में यहाँ पे देखिए कुछ स्टेप्स हो जाएगी। उसके बाद से यहाँ पर रेड वगैरह जैसे मतलब चेंज करना चाहें इसे आप लोग चेंज कर सकते हैं एक ही क्लिक में। यहाँ पे कोई भी जैसे मतलब फिल्टर आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि मतलब फिल्टर को इसे सेव करना है, वैसे आप लोग करके सेव कर लिएगा तो इसे आप लोग एक क्लिक में एडिट हो जाएगी। तो इसको आप लोग को डुअल टोन में बनाने के लिए अब आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ से इसको आप लोग कोई भी एक नॉर्मल सा कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं ये वाली कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे डन कर देता हूँ। डन करने के बाद से यहाँ पे बैक आता हूँ और बैक आने के बाद एडिट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ऑल टूल पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे कलर पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे इस पर आ जाता हूँ और इस पर आने के बाद से कुछ ही स्टेप से इसको एडजस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आगे की तरफ ये है तो मतलब ये वाली कलर अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ कैसे मतलब दिखती है।
तो यहाँ पे डबल टोन में आप लोगों को बताया हूँ, तो डबल टोन बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग बस वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आप लोग यहाँ पे डबल टोन वाली सेटिंग नहीं सीख पाएंगे। ये आप लोग की एक खास सेटिंग है, जैसे कि यहाँ पे फेस के लिए है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फेस पे कितना मस्त आ रहा है। अगर रेड अपने फेस को रेड रखना अच्छा लगता है तो इसको आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, ये फेस पे थोड़ा सा इफेक्ट देता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब आप लोग को यहाँ पे दो टोन दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ब्लैक दिख रहा होगा और एक और कलर दिख रहा होगा। तो ऐसे आप लोग कर लेंगे, पहले से मेरे मतलब फोटो में हल्का ब्लैक टोन था तो इसको मैं थोड़ा सा डार्क में ले आया हूँ। ऐसे आप लोग मतलब जो भी अगर आप लोग इफेक्ट वगैरह यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग मिल जाएगा, इसमें से आप लोग कोई भी इफेक्ट चूज़ कर सकते हैं और कोई भी अपने फोटो पे अप्लाई कर सकते हैं।